सिटिंग देखो यहाँ गाजीबाद मथुरा आगरा, गाजीबाद गुलाटी सामान मार्ग। दोस्तों इस समय सारणी देख सकते हो, इसमें टाइम टेबल दिया गया है। बुलंदशहर खुर्जा दिल्ली अलीगढ़ रामपुर मुरादाबाद के लिए है। मुझ पे नजर रखना मेरी जान, माँ कसम नजारा बदल देंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रास्तार वर्ल्ड में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक और नया बस स्टैंड लेकर आ गया हूँ जो कि गाजियाबाद का है, उत्तर प्रदेश। दोस्तों यहाँ से कहाँ कहाँ के लिए बस मिल जाएगी और आपको कैसा बस स्टैंड दिखता है और क्या क्या है यहाँ पे, तो सारा कुछ दिखाने वाला हूँ। और ऐसे वीडियो मैं बनाते रहता हूँ एंड बहुत सारी जगहों की वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और भी बहुत सारी वीडियो है। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले। आप वीडियो को बिना काट पीट के देखिए, आपको तभी समझ में आएगी। और चलिए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का बस स्टैंड। मेरे सामने देख सकते हो उत्तर प्रदेश परिवहन बस स्टेशन गाजियाबाद। तो यह एंट्रेंस है, एंट्री यहाँ से एंट्री करेंगे और दिखाएंगे आपको कहाँ कहाँ के लिए बस मिलेगी। ये रोड है, एक बार रोड पार कर लेते हैं। देखो ये यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और दो नंबर बस मिल जाएगी आपको, गाजियाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस ये गाजियाबाद से चली हुई है। ये लोनी भोजपुरा पुराना बस अड्डा टीला मोड़ हिंडन एयरफोर्स मोहननगर न्यू बस अड्डा, आप देख सकते हैं ये नई बस चली है दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ से हमने एंट्री करी है, तो देखो आपको ये पार्किंग है। देखो ये बस स्टेशन गाजियाबाद दोस्तों, साफ सुथरा है, काफी नीट एंड क्लीन है। देखो बहुत सुंदर लग रहा है। सिटिंग देखो यहाँ गाजियाबाद मथुरा आगरा, गाजियाबाद गुलाटी सामान मार्ग। और शौचालय हम स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, ये बुकिंग के लिए पूछा, ये स्नान घर शौचालय है। और सिटिंग का एरिया काफी मस्त बनाया हुआ है, एकदम डस्टबिन वगैरह पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं यहाँ पे। और ये पूछताछ के लिए है, यहाँ से आप पूछताछ कर सकते हैं। बुकिंग काउंटर है यहाँ पे, सिटिंग अरेंजमेंट है। गाजियाबाद जहांगीर चौंसी यहाँ से भी देखो, गाजियाबाद डिपो खड़ी है और मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ से कहाँ कहाँ के ले जाएगी, अभी दिखाते हैं। देखो दोस्तों गाजियाबाद से बुलंदशहर के लिए ये बस, बुलंदशहर के लिए। और देखो ये गाजियाबाद डिपो खड़ी है, ये कहाँ के लिए जाएगी मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ। काफी बड़ा इस बस स्टैंड है दोस्तों, और हरियाली वैसे साफ सुथरे की बात करें ना, मेरे को नीट एंड क्लीन लगा है। और देखो पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं वहाँ पे। देखो बुलंदशहर से गाजियाबाद ये भी जाएगी, और देखो वहाँ से वहाँ तक ये पूरा बस स्टैंड का एरिया दोस्तों। अभी उधर भी चलते हैं, उधर क्या दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ से पूरी ये दीवारें बस स्टैंड की है। और देखो कबूतर चुग रहे हैं यहाँ पर, दाना चुग रहे हैं। तो दोस्तों ये गाजियाबाद का बस स्टैंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधे और यहाँ पे काफी सारी फूलों के पेड़ वगैरह लगाए गए हैं। देखो काफी बड़ा है। देखो यात्रीगण वहां से दूसरी बस में पकड़ रहे हैं। अभी ये पूरा जो बस स्टैंड दिख रहा है आपको गाजियाबाद का दिख रहा है, ऊपर भी दिखाओ देखो बस स्टेशन गाजियाबाद। तो अभी उधर की साइड चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो देखो इधर चलते हैं, इधर भी एक गेट है और दुकान वगैरह भी बनाई हुई है। ये रोड जा रहा जो मोहननगर दिल्ली के लिए और इसी सीधा जा रहा मेरठ के लिए। देखो वो बोर्ड लग रहे हैं, आपकी यात्रा मंगल्य हो। तो अभी यहाँ से हम इधर चलते हैं, देखो वहां तक वो दिखाई चुका मैं उधर से आपको। और देखो ये गाजियाबाद डिपो खड़ी है, मेरठ जाएगी ये बस, इधर से मेरठ जाएगी। देखो यात्रीगण काफी सारे खड़े हुए हैं इधर भी। देखो ये मैं आपको इसका बोर्ड दिखाता हूँ, दिख रहा होगा मेरठ। और देखो भैंसाली डिपो है ये, भैंसाली डिपो मेरठ गाजियाबाद, गाजियाबाद से मेरठ जाएगी ये, और ये गाजियाबाद से बुलंदशहर के लिए जाएगी दोस्तों।
दोस्तों यही है गाजियाबाद का बस अड्डा। यहाँ से तहलेट मार्ग गाजियाबाद मथुरा, यहाँ पे आपको शौचालय वगैरह की सुविधा मिल जाएगी उधर, और यहाँ पे पानी की टंकी है तो पानी वगैरह के लिए सुविधा मिल जाएगी। और ये नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन, ये इलेक्ट्रिक बस चली हुई है यहाँ पर गाजियाबाद सिटी से, आपको ये कौशाम्बी बस स्टैंड आनंद विहार तक भी लेके जाएगी। तो ये मेरठ से बस आई हुई है गाजियाबाद बस स्टैंड पे, देखो ये मेरठ से यूपी रोडवेज है, तो ये आ चुके दोस्तों गाजियाबाद आगमन में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत लिख रहा, हार्दिक नहीं लिख रहा। तो चलिए दोस्तों बाहर निकलते हैं और बाहर भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे पास में ही ऑटो स्टैंड है, आप यहाँ के बाहर नाश्ता वगैरह ले सकते हैं, आपको ऑटो सर्विस मिल जाएगी इधर से। तो देखो ये ऑटो स्टैंड है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये इधर, यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। देखो ये पुल के नीचे आओगे ना, आपको ऑटो वगैरह की सर्विस मिल जाएगी आपको जहाँ भी जाना हो। और देखो ये सर बहुत सारे ऑटो पड़े हैं यहाँ, ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ से आपको देखो इलेक्ट्रिक भी मिल जाएगी, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रिक चलती है ना तीन पहिए की, ट्रेरी बोलते हैं यहाँ पे इसे। कहाँ पे क्या पे ई रिक्शा बोलते हैं, कहाँ पे ट्रेरी बोलते हैं क्या क्या। और देखो ये आनंद विहार ऑटो स्टैंड, यहाँ से आनंद विहार के लिए ऑटो मिल जाएगी, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ ये ऑटो स्टैंड आनंद विहार। देखो ऑटो के पीछे भी लिखा होता है यहाँ पे, देखो पुराना बस अड्डा, गुंगल मॉल, राजनगर, रोटरी गोल, यहाँ पे इधर भी ऑटो वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों। ये काफ़ी सारे ऑटो खड़े हुए हैं यहाँ, देखो ये लाइन में ऑटो खड़े हुए हैं, ये ऑटो स्टैंड है दोस्तों, इधर भी दिख कर लाइन में लगाए हुए हैं बीएमए, बहुत बढ़िया। यहाँ से निकल जाते हैं, नंबर से चलते हैं, ये रूट नंबर देखो 12, ये पुराना बस अड्डा, गुंगल मॉल, हिंडन गोल, देखो वहाँ से एंट्री करी थी वो तो है बस के लिए एंट्री, और यहाँ पर आप पैदल एंट्री कर सकते हैं। देखो बस स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद, यहाँ से पैदल एंट्री कर सकते हैं आप। चलो इधर से भी यहाँ से एंट्री करते हैं, पास में आपको यहाँ पे कैंटीन या दुकान वगैरह मिल जाएगी, छोले भटूरे वगैरह की, आप यहाँ से आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हैं। और देखो पानी की टंकी वगैरह भी लगी हुई है, स्वस्थ भारत अभियान, स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहे। दोस्तों कुछ टाइम टेबल इस प्रकार है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, इस टाइम टेबल को आप देख सकते हैं, समय सारणी दी गई है। हमें गाजियाबाद से भुरबड़ मोरोटा बस आ चुकी है गाजियाबाद, बुलंद शहर से आई हुई बस है गाजियाबाद में आई हुई है, ये अंदर जा चुकी है, देखो ये अंदर एंट्री कर चुकी है। ये दिल्ली से आई हुई बस यहीं पर लगती है, ये मेट्रो स्टेशन है गाजियाबाद का, न्यू बस स्टैंड, ठीक है मेट्रो स्टेशन, तो इसको ही न्यू बस स्टैंड कहा जाता है। मेट्रो स्टेशन में यहाँ पे यात्री खड़े हुए हैं, इधर भी चली जाती है बस कई बार, इधर से आती है, और जो दिल्ली से आती है ना डायरेक्ट वो यहीं पे आती है, इसे ही न्यू बस स्टैंड कहते हैं दोस्तों गाजियाबाद का। तो ये मेट्रो स्टेशन है, सही थी इस पर मेट्रो स्टेशन न्यू बस स्टैंड गाजियाबाद का इसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिल्ली में बस आती है ना वो यहीं पर लगती है दोस्तों, इसे ही कहते हैं। बाकी पुराना बस अड्डा मैंने दिखाई चुका हूँ आपको पहले, देखो ये न्यू पिस्टल न्यू बस स्टैंड यहीं पर बस आती, देखो आएगी बस मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेशन से इधर साइड चलोगे ना आप, 10 कदम पे आगे भी बस लगी हुई मिल जाएगी आपको, 10 कदम पे चलोगे मेट्रो स्टेशन पे आगे भी बस मिल जाएगी, न्यू बस स्टैंड कहते हैं। देखो वो बस लगी हुई है दिल्ली हजरत निजामुद्दीन गाजियाबाद पुराना बस स्टैंड, दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ रुकती है बस, ये फेरी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी आपको ई रिक्शा वगैरह और ऑटो सर्विस मिल जाएगी दोस्तों। ये था गाजियाबाद का बस अड्डा, कैसा लगा आपको कमेंट में बताइए।
और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, डायरेक्ट मैसेज करें जो पूछना आपको, आपको मैसेज का रिप्लाई मैं 100% करता हूँ, पहले जिन्होंने कर रखा है मुझको। और दोस्तों ऐसे यूनिक यूनिक वीडियो में लेकर आता हूँ, और भी आपके आसपास में कोई बस अड्डा है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं जरूर उसकी वीडियो इन फ्यूचर लेके आऊँगा आपका साथ रहा तो। और चलिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत जल्दी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो करवा दो यार जल्दी से प्लीज़। खत्म करते हैं वीडियो को, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।